अरे कमला। जी साहब। देखना गेट पे कौन है। अभी देखती हूँ। आप कौन? सतीश है क्या? अरे अखिल आओ आओ अंदर आओ। अरे ये मेरा दोस्त है। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई, तू सुना? बढ़िया भाई। अरे बहुत दिन हो गए तू ऑफिस नहीं आया, सोचा घर पे ही चल के पूछ लूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा तबीयत खराब था तो सोचा वर्क फ्रॉम होम ही कर लो। तू बता काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बता, चाय पिएगा? हाँ। अरे कमला। जी साहब। दो कप चाय बनाना, मेरा दोस्त आया है। हाँ अभी बना रही हूँ। अरे अखिल मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। अरे भाई जल्दी आना नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है भाई। अरे कमला इधर आना। जी साहब। तू देखने में थोड़ी चालाक और धूर्त लगती है। नहीं नहीं साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तेरे लिए एक काम है लेकिन थोड़ा रिस्की है, बोल करेगी? रिस्की है? नहीं साहब रिस्की काम नहीं करने वाली मैं कुछ। सोच ले 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख? हाँ साहब बताओ क्या करना है। एक मिनट रुक जा, ये देख ये दवा तुझे अपने साहब के चाय में मिलानी है जिससे वो बेहोश हो जाएगा। और तुझे तो पता ही होगा कि उसने पैसे कहाँ कहाँ पर छिपा रखे हैं, बस तुझे वो पैसे मुझे ला के देने होंगे। नहीं नहीं साहब मैं अपने साहब के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हैं आप साहब। सोच ले 5 लाख का सवाल है। 5 लाख? हाँ साहब करूंगी ना, जरूर करूंगी। तो फिर ये ले 1 लाख एडवांस और बाकी काम होने के बाद। ठीक है साहब मैं आपका सारा काम कर दूंगी और मुझे अच्छे से पता है कि घर के किस कोने में कितने पैसे और कितना सोना है। सॉरी भाई वो एक अर्जेंट कॉल था, चाय नहीं आया अभी तक। अरे कमला चाय लाओ यार। लीजिए साहब आपकी चाय बिना शुगर के। आपकी चाय। अरे ये मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ तो ठीक तो है? ये लीजिए साहब घर में जितना भी पैसा था और सोना था मैं सब लेकर आ गई हूँ। चल मेरा काम तो हो गया। साहब आपका काम तो हो गया, अब मैं अपना काम कर लूँ। साहब आप ना ये सारे पैसे रख लीजिए और ये सोना भी, मुझे बस साहब की ना रिंग और फोन चाहिए। बहुत चालाक है तू, ले ले। ये तो बेहोश नहीं हुए। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? रुक रुक मैं तेरी सारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये कोई चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त है और हम लोगों ने प्लान बनाया था। मुझे तुझ पे काफी दिनों से डाउट था और उस दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तब मैंने तुझे देखा था।
और उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तूने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए थे। बस मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और फिर इसने मुझे इस सारे प्लान के बारे में बताया और फाइनली आज तू पकड़ी गई। और तुम जैसी लोगों की वजह से ना बाकी काम वालियां बदनाम है, समझे? साहब मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी साहब, मैं वादा करती हूँ आपसे। चुप कर, अगर आज तुझे मैंने माफ कर दिया ना तो कल फिर से तू किसी और के यहाँ चोरी करेगी और तेरे जैसे लोगों की जगह ना हवालात है। रुक, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं साहब, पुलिस को कॉल मत करो साहब, प्लीज साहब। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं 46 नोएडा से बात कर रहा हूँ, यहाँ एक चोर पकड़ी गई है, आप जल्दी से आ जाइए। रुक, पुलिस अभी आती ही होगी। और भाई तुम, थैंक यू सो मच, आज तेरी वजह से ये पकड़ी गई, वरना ना जाने आगे मेरे साथ क्या करती। कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज था।